नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिगिरी महाराज, सुनने और पढ़ने में ये कितना भारी भरकम नाम लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई बहुत बड़े बाबा होंगे, करुणा के सागर होंगे, ज्ञान के भंडार होंगे। लेकिन कहावत है ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। उसी तरह इस बाबा के नाम पर मत जाइए। भयंकर बवाली आदमी है ये। इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें ये दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बना रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बाबा आश्रम से फरार है, यानी कि दाल में काला नहीं बहुत कुछ काला है। बाबा राम रहीम, आसाराम बापू, निर्मल बाबा, ओम बाबा, बाबा रामपाल जैसे तमाम फर्जी बाबाओं के बाद आपके सामने पेश है बिल्कुल नए नवेले फर्जी बाबा, जिनका नाम है महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिगिरी महाराज। इसके कारनामे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि पुराने बाबाओं के कारनामे थे, समाज सेवा के नाम पर आश्रम खोलना और फिर महिलाओं का यौन शोषण करना। वैसे हम किसी वर्डिक्ट पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे इनके वीडियोस वायरल है ये खुद आश्रम से गायब है। ऐसा तो कहा ही जा सकता है कि भैया दाल में बहुत कुछ काला है। बाबा का शॉर्ट नेम ज्योतिगिरी बाबा है, जिनका आश्रम गुड़गांव के बहेड़ा कला गांव में है। आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक बाबा पिछले 25 सालों से वहीं रह रहे हैं, उनका वहां आश्रम है। वो पहले आईएएस थे, फिर बाद में वैरागी हो गए। हालांकि इन दावों का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, बोले तो कोई प्रूफ नहीं मौजूद है। अब समझिए मामले का खुलासा हुआ तो हुआ कैसे। 13 अगस्त के दिन एक गुमनाम महिला ने सोशल मीडिया पर एक टेक्स्ट वीडियो पोस्ट किया, कुछ वीडियो भी डाले। टेक्स्ट वीडियो में महिला ने कुछ इस तरह के आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए सुनिए। ज्योतिगिरी महाराज ने मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। ज्योतिगिरी महाराज सैकड़ों नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण कर चुका है। मैं कम से कम 10 से 12 लड़कियों के साथ बाबा के खिलाफ शिकायत करने को तैयार हूं, लेकिन बाबा बहुत ताकतवर है और मेरी जान को खतरा है। महिला ने पोस्ट में यह भी दावा किया कि उसके पास ज्योतिगिरी महाराज के ऐसे 600 घंटे के वीडियोज हैं जिसमें वह नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। बाबा का वीडियो सामने आने के बाद गांव के लोग बौखला गए हैं, बाबा को ढूंढने निकल गए, लेकिन बाबा आश्रम में नहीं मिला क्योंकि वो फरार हो चुका था। बुधवार के दिन भी सैकड़ों गांव वाले पुलिस के पास शिकायत करने पहुंचे। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के पास एक दूसरी महिला भी पहुंची जिसने बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महिला के मुताबिक उस बाबा ने उस महिला के साथ बलात्कार किया। अब पुलिस ने बाबा के खिलाफ तो केस दर्ज किया ही, लेकिन जिस अज्ञात महिला ने सोशल मीडिया पर वो वीडियो डाला, यानी कि जिस महिला ने, ऑब्वियसली उसने कहा भी कि उसके साथ भी रेप हुआ है, तो जिस महिला ने वो वीडियो डाला पुलिस ने उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया। क्यों? पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत आईपीसी की धारा 509 भी लगा करके मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है क्योंकि ये जो मामला है वो दूसरी महिला की प्राइवेसी से भी जुड़ा हुआ है और जिस महिला के साथ रेप हुआ है उसने ये वीडियो डाला है तो उन्होंने भी क्राइम किया है। सवाल है कि ज्योतिगिरी बाबा आखिर है कहाँ? इसका जवाब है पता नहीं। पुलिस ढूंढ रही है, आसपास के लोगों से पूछ रही है, जानकारी जुटा रही है। बाबा का कोई अता पता नहीं चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तभी से बाबा अपने आश्रम से फरार है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि बाबा को पुलिस पहले ही पकड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने देरी की और बाबा फरार हो गए। लोगों का कहना है कि बाबा के कई बड़े नेताओं से अच्छे संबंध है जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई करने से बचती आ रही थी। अब चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है इसलिए शिकायत की एक कॉपी राष्ट्रीय महिला आयोग, हरियाणा महिला आयोग और दूसरे बड़े अधिकारियों को भी भेज दी गई है। पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर बाबा के आश्रम के पास फैल गई है, साथ ही साथ आश्रम की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतलब पुलिस को ऐसा लग रहा है क्या पता लोग कुछ आश्रम के साथ कर बैठे या फिर तोड़फोड़ मचा चुके। खैर, लोग पुलिस से बाबा का आश्रम बंद करने की भी मांग कर रहे हैं। वैसे एक जगह बाबा का आश्रम नहीं, आपको लग रहा है कि सिर्फ गुड़गांव में या फिर गुरुग्राम में है, ऐसा नहीं है। बाबा का आश्रम गुरुग्राम के अलावा हरिद्वार, उज्जैन, वाराणसी समेत कई जगहों पर है। बाबा ने इन सब जगहों पर आश्रम खोल रखे हैं। बाबा इन आश्रम के जरिए मोटी कमाई करता है। बाबा के पास कई गौशाला है जिसके एवज में वो सरकार से मोटे पैसे भी उठाता था। अब सोचिए ऐसे ऐसे बाबाओं के कारनामे, बाबा के नाम से ही भरोसा उठ जाए। बहरहाल, आपका इस बाबा के बारे में क्या ख्याल है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।